हेलो गाइस, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं आशिकुला यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो जियो का नेट है वो इतनी जल्दी क्यों खत्म हो जाता है। जैसे कि आप देखोगे कि 50% यूज हो गया, 90% यूज हो गया, 100% यूज हो गया, तो इतनी जल्दी क्यों यूज हो जाता है? क्योंकि ये जब आप पहले यूज करते थे तो आपका 1 महीने के लिए 1 GB मिलता था, तो आप उसको यूज करते थे, पूरा 1 महीना चलाते थे। लेकिन आज के दिन पे रोग पर डे का 2 GB 3 GB कम पड़ जाता है। इसका क्या कारण है, क्यों ऐसा हो गया? तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए हमारे वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था कि जियो का नेट इतनी जल्दी क्यों खत्म हो जाता है, उसके क्या कारण है, तो रीजन तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट रीजन की बात करता हूँ कि अगर आप जैसे एक फोन यूज कर रहे हो तो उसमें आपको जितने यूज के ऐप है खाली उतने ही ऐप रखिए, उससे ज्यादा ऐप मत रखिए। जैसा कि कुछ लोग होते हैं जो अपने फोन को भरते रहते हैं, टेंशन नहीं लेते हैं कि मेरा फोन में इतने सारे ऐप, जितने आपको यूज हो उतने ही ऐप को आप रखिए। जैसा कि मैं बता दूं कि ब्राउजर हुआ, तो ऐसा पाया गया है कि अगर आप 4 से 5 ब्राउजर रखते हैं तो आपका नेट जल्दी खत्म होता है, अगर आप 2 ब्राउजर रखते हैं तो थोड़ा कम खत्म होता है, और 1 ब्राउजर रखते हैं तो आपका और कम खत्म होता है। जैसा कि कोई भी फोन की बात करें तो उसमें 2 ब्राउजर आते ही आते हैं, MI का फोन हुआ, वीवो का फोन हुआ, ओप्पो का फोन हुआ, ये तीनों फोन में एक कंपनी के ब्राउजर आते हैं और एक क्रोम ब्राउजर, ये 2 ब्राउजर तो फिक्स ही है, तो उसमें कोई कहना ही नहीं। 2 ब्राउजर हुआ, फिर उसके बाद में हुआ यूसी ब्राउजर, तो मेरे फोन में भी 3 ब्राउजर है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं MI का फोन यूज करता हूँ तो MI का ब्राउजर, क्रोम ब्राउजर और यूसी ब्राउजर, 3 ब्राउजर मेरे फोन में भी है। कोई कोई इससे ज्यादा, जैसे कि डॉल्फिन ब्राउजर, मोजिला फायरबॉक्स, टर्बो ब्राउजर, डॉल्फिन ब्राउजर, इतने सारे ब्राउजर रख देता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जितने हो सके उतने कम ब्राउजर का यूज कीजिए। और जैसा कि जानते हैं कि ब्राउजर रखने से क्यों होता है, तो जैसा कि कभी आप देखो, कभी आप कोई विजिट करोगे कोई वेबसाइट तो उस पर आपको नोटिफिकेशन का आता है। जैसा कि आप क्रोम ब्राउजर यूज करोगे तो अगर आप YouTube पे जाओगे, YouTube.com सर्च करोगे तो उसमें आता है ब्लॉक नोटिफिकेशन या ओपन नोटिफिकेशन, तो अगर आप ब्लॉक पे कर दोगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं, वेबसाइट के थ्रू क्रोम ब्राउजर पे वो नहीं आएगा नोटिफिकेशन, लेकिन अगर आप ऑन करोगे तो क्रोम ब्राउजर की साइट से आपके नोटिफिकेशन आएगा यूट्यूब की तरफ से। तो यही ब्राउजर की यही कारण है कि जो ब्राउजर है आपके जो बैकग्राउंड में वो रन करता रहता है, तो इसका यही कारण है। और जितने आप यूज हो उतने ही ऐप यूज कीजिए, और ये मतलब ये ध्यान रखिए ऑटो अपडेट में मत रखिए कोई भी ऐप। जैसा कि कुछ होता है कि आप रख देते ऑटो अपडेट में तो ज़्यादातर करके आप वाईफाई पे अपडेट में रखिए, मोबाइल डेटा के अपडेट में मत रखिए। और जैसे कि व्हाट्सअप तो सब यूज करते हो, तो व्हाट्सअप भी आपका डेटा यूज करता है। कैसे यूज करता है? कुछ लोग जैसे रहते हैं कि गूगल ड्राइव से लॉग इन करके रखते हैं क्लाउड में स्टोरेज करने के लिए, और बैकअप पे हमेशा ओके मार के रखते हैं मोबाइल डेटा से, तो ऐसा आप वहाँ पे बंद कर दीजिए, क्योंकि आप कुछ भी सेंड करेंगे, कुछ भी रिसीव करेंगे, कुछ भी फाइल होगी, तो जो है सीधा उसका बैकअप आपकी ड्राइव पे अपलोड होता रहेगा। तो अगर आप नेट चालू रखेंगे तो आपके वो नेट का बैकग्राउंड यूज करता ही रहेगा, जिससे आपको लगेगा कि आपका नेट जल्दी खत्म हो गया। तो ये सारे रीजन थे, ऐसे ध्यान रखिए कि बैकग्राउंड पे कोई भी ऐप जल्दी जल्दी अपडेट ना होने पाए। प्ले स्टोर पे भी रहता है और कई अदर ऐप्स रहते हैं, जिसके कारण आपको जो बैकग्राउंड रहता है बैकग्राउंड में रन करता रहता है, आपको पता चलता नहीं। और टिकटॉक सबसे ज्यादा MB जो है टिकटॉक की वजह से ही खाता है। हाँ गाइस, ये बहुत सही बात है, और टिकटॉक सब यूज करते होंगे, मुझे भी पता है, मैं भी यूज करता हूँ। तो टिकटॉक पे सब स्लाइड करते हो, वीडियो आती है तो आप जो नहीं देखना चाहते हो वो भी वीडियो पूरी तरह से लोड होती है, और जो आप देखना चाहते हो तो फुल लोड होती है। तो इसके कारण टिकटॉक पे सबसे जल्दी MB खाता है, ये मैंने खुद देखा है, मैंने खुद यूज किया है। 1 GB आधे आधे घंटे में, 1-1 घंटे में पूरा खत्म हो जाता है। तो यही कारण है, टिकटॉक आप जितना हो सके उतना कम यूज कीजिए, टिकटॉक के कारण आपका जो MB बहुत ज़्यादा खत्म होता है। यही मैंने चाहिए, तो यही तीन कारण थे। अगर आपको जो है नेट बचाना है जल्दी जल्दी ना खत्म हो, तो ये 3 ऐप को यूज करते हुए सावधानी बरते। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद जो बेल आइकन उसे भी दबा दीजिए हमारे वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले।